दोस्तों आज के समय में अक्सर हमें किसी भी चीज के बारे में जानना हो या समझना हो तो हम उसको गूगल में सर्च कर लेते हैं और सर्च करने के बाद हमें उसका रिजल्ट भी बहुत आसानी के साथ मिल जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर गूगल कैसे काम करता है और ये कैसे हमारे हर एक सवालों का जवाब इतनी सटीकता के साथ दे पाता है? तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे गूगल के वर्किंग प्रोसेस के बारे में कि गूगल कैसे काम करता है। तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं और जानते हैं। अब आइए जानते हैं कि गूगल कैसे काम करता है। गूगल अपने एल्गोरिथम के आधार पर काम करता है। गूगल के सर्च इंजन 2 स्टेप में काम करती है, पहला क्रोलिंग और इंडेक्सिंग। आइए जानते हैं कि क्रोलिंग और इंडेक्सिंग क्या होता है। गूगल सर्च का सबसे पहला स्टेप क्रोलिंग होता है। गूगल लगातार अलग अलग वेब पेजेस को क्रोल करता है, यानी कि अलग अलग वेब पेजेस को स्कैन करता है। इस प्रोसेस को ही क्रोलिंग कहा जाता है। इसके लिए गूगल वेब क्रोलर के गूगल बोर्ड का इस्तेमाल करता है। ये एक तरह के सेट ऑफ कोड्स होते हैं या सॉफ्टवेयर होते हैं जो अलग अलग वेब पेज को सर्च करते हैं। इन वेब पेज को सर्च करके क्रोलर उन पर मौजूद लिंक्स को फॉलो करते हैं। ये क्रोलर लिंक से लिंक पर जाकर डेटा को इकट्ठा करते हैं और इन्हें गूगल के सर्वर पर कैटेगराइज कर देते हैं। एक बार जब क्रोलर को वेब पेज मिल जाता है तो गूगल उस पेज का सारा कंटेंट चेक करता है और उसे अपने सर्वर पर कंटेंट की कैटेगरी के हिसाब से इंडेक्स करता है, जिसे इंडेक्सिंग कहते हैं। इसमें पेज कंटेंट के अलावा इमेज और वीडियो भी शामिल होते हैं। इस तरह गूगल सर्च इंडेक्स में मौजूद सभी जानकारी को ट्रैक करता है। अब आइए इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जब आप गूगल पर सर्च करते हो व्हाट इज गूगल या फिर गूगल क्या है, अब गूगल अपने डेटाबेस में इंडेक्स वेब पेजेस को देखेगा कि ये कीवर्ड किस किस वेब पेज में आ रहे हैं। अब यहाँ गूगल क्या है या फिर व्हाट इज गूगल से रिलेटेड हजारों वेब पेजेस होंगे। तब सवाल आता है कि आखिर गूगल कैसे और किन किन वेब पेजेस के लिंक को गूगल के फर्स्ट पेज पर शो करता है। इसके लिए गूगल रिवेलेंसी को चेक करता है कि क्या कीवर्ड उस वेब पेज के टाइटल में है। इसके साथ ही जिस पेज में गूगल से रिलेटेड जानकारी दी है उस पेज में किस किस पेज से उस पेज को लिंक किया है। यानी कि कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि गूगल अपने नियमों के मुताबिक किसी पेज को इंडेक्स करता है और गूगल के पास 200 से भी अधिक रैंकिंग फैक्टर है जिन्हें देखते हुए किसी वेब पेज को गूगल के पहले पेज पर इंडेक्स करता है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा।